हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी के। मैं आपको शाना को स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आ चुके हैं सीहोर के फेमस कुरबेश्वर धाम पे, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। तो अभी अंदर भी जाने वाले हैं, सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो आज हम पूरी फैमिली आए हुए हैं। तुम्हारे भी हो यार। तो ये है यहाँ का मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेने के लिए। तो एंट्री लेते हैं, प्रसाद वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। पहले दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ये है मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, जब 2 साल से बन रही है, बनी नहीं अभी तक, पहले ही देखो तो मैं नुक्ता मार दूं। तो ये मेरी पूरी फैमिली अभी तक भाई बन रहा है। मैं भी काफ़ी टाइम पहले आया था, लगभग 4-5 महीने पहले। पिछली वीडियो में आप देख सकते हो मैं कब आया हुआ था। तो यहाँ तो शायद अभी जाना बंद है, पहले जाने देते थे। अच्छा आप बन जा प्रसाद ले लो यार। तो ये है पूरा जो अभी तो बन रहा है, ये भी थोड़ा बन रहा है अभी, उधर बन चुका है। अभी बहुत कम पब्लिक है। जब यहाँ पे चलता है उनका प्रोग्राम चलता है पंडित जी का, तो बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत लोगों को पता होगा भाई कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। यह भी हाँ यार, छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी बिल्डिंग बनाई, कोई ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। कोई ने बड़ी बिल्डिंग बनाई है, कोई ज़्यादा ही बड़ी मन्नत है। देख कितना बड़ा तान दिया भाई। पत्थर छोटे रखो या बड़े रखो, मन्नत तो मन्नत पूरी हो जाएगी, छोटे में बड़े में भी। हाँ बंद है वो, वहीं पे चढ़ाने के लिए। देखो ये है, यहाँ पे सब जगह घूमेंगे। जहाँ पे गौशाला उधर भी जाएंगे हम लोग। यहाँ तो अभी बन रहा है रे, इधर भी चढ़ा सकूँ तो घूम के यहाँ पहले आओ, पहले घूम के जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं इधर, जहाँ पहले पहले फर्स्ट टाइम जब सत्संग जो भी हुआ था वहाँ पे प्रोग्राम पंडित जी का, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ था। मम्मी माइक नहीं है यार। दिस इज GoPro मॉम। मौसम कैसा लग रही हो? मैं ना एक दिन ऐसे सो के बताऊं। ऐसे सोएगी तू? भगवान जैसी, कृष्ण भगवान की तरह। शायद मम्मी उधर चढ़ा सकते हैं। ये तो है घूमने की, वो अंदर दर्शन। वो पहली बार जब वो हुए थे ना प्रोग्राम, वहाँ पे उनको वो है जो भी आसन वगैरह रहता है। यहाँ मैं कितनी बार आऊँ पर प्रसाद को पता नहीं कहाँ चढ़ाने रहे भाई। तू तो पहले से पहली बार में आके पता करना तो प्रसाद कहाँ चढ़ाने रहे। अभी कहाँ चढ़ा? तो अभी बंद है नहीं, गुफा का अंदर। इधर जानो है, अंदर चलना है अपने। प्रसाद तो पहले चढ़ा देना यार। तो भाई यहाँ पे सबको शूज वगैरह निकाल के जाने। अंदर अंदर का भी आपको बताते हैं। अरे हाउ रे, 200-400 का जीता। अरे नहीं वो बहुत महंगा है। कितने का है? बढ़िया। कैसा लग रही है घूम के? बहुत। हर मूवी अच्छी लग रही है हमें देख के। देखो ये नहीं आ रहा चेहरा, देखो मम्मी कितनी बार आ चुकी है? दूसरी बार है अब। ये आधार कार्ड का नहीं है यार। तो बाबा यहाँ पे सबसे पहले लाइन लगानी पड़ती है भाई। यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी। दर्शन करना तो बाहर से कर सकता है, अगर कुछ भी प्रसाद वगैरह तो वहाँ तक चढ़ा के आना पड़ेगा भाई। अपन तो यहीं से कर लेंगे, दूर से राम। दूर से कर लो। हाँ मम्मी खड़ी हुई है प्रसाद के लिए अभी। चश्मा रख ले तू अभी, पैर में कैसे लग भाई मेरी तो मोजे पहन के आया, अभी पैर तुम्हारे छुट जाएंगे पता पड़ जाएगा। सोना की है हो सकता, हाँ गोल्ड ही है वो, गोल्ड से बना हुआ है। मुस्कान भी लाइन में लग गई, लाइन में लग गए तुम लोग भी हाँ। बढ़िया है, कुछ नहीं भी खड़े हुए वैसे परेशान हो रही होगी, जाओ दर्शन करके आओ जल्दी से। हाँ स्पेशल दर्शन के लिए भाई लाइन लग रही है यहाँ पे, भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी भीड़ थोड़ी बहुत तो कम है, बढ़ती जा रही है। पर यहाँ से भी आप ये शॉल वगैरह साड़ी वगैरह किसी को देने के लिए, और आगे तस्वीर वगैरह भी रखी है, यहाँ से ले सकते हो भाई। जस्ट इसके सामने ही है शॉप, और उधर से ये फूल प्रसाद वगैरह ले सकते हो, माला वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह जो यहाँ का काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे फ्री बांटा किया था तो अभी तो नहीं है, यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे खाने पीने सबकी व्यवस्था है, ये रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुरबेश्वर धाम पे एम्बुलेंस वगैरह हमेशा यहाँ पे रेडी रहती है, और जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे मेडिकल भी है, आप यहाँ से आप चेक वगैरह करवा सकते हो, डॉक्टर हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ये चीज़ है भाई। वहाँ पर आप दान भी कर सकते हो, जो आप देख रहे हो वहाँ पर दान कर सकते हो। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, आपकी इच्छा है दान के ऊपर, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये सब दान है जो आप देख रहे हो, ये दान किया हुआ है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हो, जो बाहर से लेके आए तो अंदर कहीं चढ़ा नहीं सकते, वहाँ पे आप चढ़ा सकते हो प्रसाद वगैरह। अगर अगरबत्ती वगैरह उधर लगानी है आपको, वहाँ पे जाके लगा सकते हो। अभी हम लोग उधर भी जाने वाले हैं, पूरा जो इधर गौशाला है वहाँ पर। तो यहाँ पर आने का भी मैं बतलाऊँगा आप कैसे यहाँ पर आ सकते हो, बिल्कुल चीपेस्ट में। अगर आप बस से आते हो तो आप बस स्टैंड से डायरेक्ट ऑटो लेके आ सकते हो, तो यहाँ से 30-40 रुपये आपको ऑटो वाला चार्ज करेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन कहीं से भी आते हो तो नियर बाई यहाँ पे सीहोर रेलवे स्टेशन पड़ता था, वहाँ भी आ सकते हो। डायरेक्ट आपके यहाँ से यहाँ पे सीहोर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, और वहाँ भी आके 30-40 रुपये ऑटो वालों को देकर आप डायरेक्ट यहाँ कुरबेश्वर धाम में आ सकते हो। बाहर भी कुछ होटल बने हुए हैं, और अंदर भी रहने के लिए व्यवस्था की गई है, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हो और बाहर भी रह सकते हो, आपके ऊपर है। कोई ढूंढ रही है एक ही सिक्के दे चलो आओ उधर उधर तरफ में चलो। तो अभी यहाँ पे चल रहा है काम, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ स्टार्ट होने वाला है, शायद प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है पंडित जी का, तो अभी से यहाँ पे चल रहा है भाई पूरा काम। सेटअप पहले से ही स्टार्ट करके रख रहे हैं तो बाद में आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देख लो भाई कितनी सीमेंट की बोरी पड़ी है, सारा बनता जा रहा है यहाँ पे पूरा भाई। हर मैं 2 साल से देख रहा हूँ भाई, जब से ये चालू होने जब से बन रहा है, ऐसा नहीं कुछ यहाँ पे मतलब पहले बनाया कुछ बनाया, जितना भी दान आ रहा है उससे ये पूरा बनता हुआ जा रहा है। तो ये है गौशाला मेरे सामने, आप देख रहे हो कुछ पब्लिक वहाँ पे बैठी हुई है, वो यहाँ पीने के लिए पानी वगैरह भी व्यवस्था की गई है, रहना खाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप दान भी कर सकते हो, जो मैंने बताया बहुत बड़ा ग्राउंड है वैसे तो, पर जब यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होता भाई तो यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है पैर रखने के लिए, इतनी जगह मतलब इतने लोग आ जाते हैं कि जगह कम हो जाती है। भाई इतने पीछे पीछे क्यों आ रही यार, भंडारा चल रही है। अरे भंडारा लंगर चालू है। चलो तू रोटी खा के भी नहीं, हमें पता तो नहीं खाई तूने कई जो ने भी नहीं खाई, तूने कुछ खाओ कि नहीं तो कुछ मत। मम्मी का तो उपाय के लिए मम्मी पूछा ही नहीं हमने, हम तो जाएंगे अभी। कहाँ कहाँ उड़ती हुई कहाँ जा रही रास्ता, हाँ उधर से आओ। हम भी अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे गाय वगैरह आप यहाँ पे गाय को खिला सकते हैं, तो यहाँ पे गौशाला में पाल रखी है। यहाँ पे नंदी भी मिल जाएगा आपको, हैं तेज बोल तेज। अब दीदी प्रदीप मिश्रा किधर रहते हैं? उसे नहीं बताना। सीहोर में रहते हैं बस नहीं। तो यहाँ पे आप बच्चों का तुलादान भी यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे देखो आप दान पेटी वहाँ पे रखी हुई है, तो भाई स्कैनर भी आपको दिख जाएगा। तो यही था यहाँ पे गौशाला। तो अभी यहाँ पे हो रहा लंगर। मेरी पूरी फैमिली खड़ी हुई है बाहर, मम्मी अभी देख रही है। हाँ मुस्कान, नहीं भाई ऐसा पीड़ा पीड़ा मुँह को बना दे कड़ी जो है। हाँ मम्मी कैंसिल चले जाओ, खाना खाना। तो गाइस कड़ी की सब्जी बनी इसलिए हम नहीं खाएंगे, कड़ी बेकार लगती है। मम्मी की इच्छा नहीं खाने, चलो मम्मी को बाद में तुम लोग जा रही है कर लो ना यार जिसको खाना है। चलो तो यहाँ पे चल रहा है लंगर भाई, सब भी बस दिख रही मुझे तो सूद दो। चलो क्या चल के आ रहा टोमी बेटा हमारा भाई, देखो ये क्या बोलते हैं दाल करी और चावल है। तो बस यही तो है। सन से लाइन लाइन में खड़ी अब पन से जाएगी, पन सब्जी जरूर ले आएगी। हाँ उसका पास से रेड दिखूंगी ना, दूर से काली दिखेगी। अरे पागल मम्मी देख काली दिखेगी दूर पे यार। बेचारी नहीं चुपचाप खड़ी है। मेकअप नहीं करा आज मैंने, उन्होंने कल करो तो नहीं इसलिए आज नहीं करके उन्होंने दो ही नहीं कल को मुझे नहीं दो। मैं इसको इतने ही बार बोल चुकी भाई तू जब भी मेकअप करे निकाल लिया कर, नहीं अच्छा देखा लापरवाही करने दी जा मुझे भाई वैसे ये बनेगा करोड़पति और मैं बन चुकी है फकीर। फकीर क्यों कजली हाँ मम्मी कहाँ चलने वाला एक इसमें इतनी मेहनत की लाने के लिए, सब खाने के लिए बहरा रही। देख देख हाय 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 नहीं लिया था दिखाई लिया था मैंने। ओ भाई साहब अरे गेम वार होने वाला इधर। दाल ले ये आलू शायद वो गलियों मुस्कान खिचड़ी। अरे हाँ दो की जगह रोड गई यार ने। हाँ हाँ जब संगीत करते होगी कुछ। और यार मोहन पता मैं भी लिया था टिफिन ले चलती हमारे लिए शाम खा लेती थी। अभी पापा का आइडिया से पन्नी लेके आना चाहिए। नहीं नहीं भैया सही प्रसाद आते प्रसाद रही है तो पन्नी बोल रही पन्नी लेके तो इतना पन्नी लाने के लिए कह रही थी। नहीं क्या बोल रहे थे गुड़ पन्नी नारायण जाई ओ कड़ी लगा कजली सिंगर गंदा मुंह बाहर होगी आपके वीडियो को वापस लाना। कैसे हरकतें करता है यार कुत्ते जैसी। चल तू है तो मेरा लाल है चिंगम ले रहा है चिंगम मार दे माना देना पन्नी पन्नी कब कंप्लीट होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और आपको कैसा लगा कुरुक्षेत्र धाम का ब्लॉग, अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बतलाएँ।